आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना, रचना और निर्मिति श्री बालकृष्ण जी अय्यर की है। आज हम आपके सामने पांच और रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें से पहली है गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली ये नदी, इसके कितने ही रूप हमने देखे हैं। हिमालय की गोद में किसी निश्चिंत नटखट बालिका सी गंगा, तो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर पहाड़ों से उतरता उसका रूप किसी अधीर अल्लड़ नौयवाना सा लगता है। देवप्रयाग से निकलकर जब वो ऋषिकेश की तरफ बढ़ती है तो वेगवती गंगा है। फिर हरिद्वार में हरिचरण रस से पुलकित होकर उसकी गंगा मैया बन जाती है। वाराणसी में प्रयाग में उसका रूप शांत अथांग फिर भी प्रवाही है। यहाँ वो सर्व गर्वा हरिणी गंगा रखती है। बहते बहते किनारों को सुजलाम सुफलाम करती गंगा जब बंगाल में पहुँचती है, पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, तो अपनी शाखाओं को अपनी धारा को अनेक शाखाओं में बांट देती है। यहाँ उसकी प्रवाह में जीवन का उल्लास भी दिखता है और पिया मिलन की आस भी। गंगा किसी के लिए श्रद्धा का स्थान है, किसी के लिए मोक्ष का साधन, तो किसी के लिए जीवन, और कलाकारों के लिए गंगा प्रेरणा है। हमारे ये गंगा जो रचना हम अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी प्रेरणा गंगा ही है, और गंगा के स्वभाव से मेल खाता अहिर भैरव हमने इस रचना के लिए चुना है। तो आइए गंगा दर्शन करें सुरों के साथ। Thank you.
Thank you.
Yeah.